गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है चर्चा करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः हम लोग उनके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे एवं अन्य चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जो है इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। हम लोग चर्चा करें उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है मेरे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, मतलब एनर्जी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रथम फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, श्वसनीय पदार्थ है, ठीक है। ये है इसका आर क्यू जो है, हमेशा हम बात करें तो एक आता है, ठीक है। और इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है CnH2O(N)। ये सामान्य फॉर्मूला होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CxH2O(Y)। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक निश्चित रेशियो में पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है, ठीक है, 2:1 का होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं और मीठे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? शुगर कहलाते हैं। शुगर जो जल में घुल जाते हैं और जो है मीठे होते हैं वो शुगर कहलाते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है, और ये लगभग मनुष्य में 55 से लेके 65% तक, 65% तक ऊर्जा देते हैं। भोजन में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं वो यही देते हैं, 55 से 65%। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सैकराइड की संख्या और जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस और सैकराइड की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो एक लाइन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से जो है ये 3 ग्रुप में बांटा गया है। जो है इसको पहले तो शुगर और नॉन शुगर के आधार पर बांटा गया, तो ये नॉन शुगर, तो ये 2 ग्रुप में बटा, फिर शुगर को मोनो और ओलिगो, मोनो और फिर ओलिगो, और नॉन शुगर में हम जो पढ़ते हैं वो पॉलीसैकेराइड को पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड में जो है सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड, सिंपलेस्ट होते हैं, इनका वाटर अपघटन नहीं होता है। इनका सामान्य सूत्र में जो है एक्स और वाई बराबर होता है। कार्बन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या लगभग बराबर होती है, मतलब जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में प्रथम उत्पाद या प्रथम स्टेप जो है वो फॉस्फोराइलेशन है या फॉस्फोराइलीकरण है। DHAP के अलावा सभी मोनोसैकेराइड DI के रूप में होते हैं, और डी हाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP जो है
डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, डी एच ए का फॉर्मूला है सी एच टू ओ एच और फिर सी एच टू ओ एच दो बार, और ये तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इसकी संरचना और श्रृंखला देखें तो एक छः सदस्य पाइरिनोज की रिंग और फ्यूरेनोज की रिंग से मिलकर बने होते हैं, और ये पाइरिनोज और फ्यूरेनोज हेवर्थ नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। एनोमर ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है कार्बन फर्स्ट परमाणु पर एच ओ एच समूह की भिन्नता के कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इन डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जो एनोमर्स बनते हैं वो डिफरेंट तरह से बनते हैं। जैसे ग्लूकोज को देखें तो एक सीधी श्रृंखला होती है, ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज को देखेंगे तो इसकी श्रृंखला जो है पाइरेनोज होती है, और बीटा ग्लूकोज की श्रृंखला भी एक पाइरेनोज श्रृंखला होती है। इसी तरीके से फ्रक्टोज की श्रृंखला भी एक पाइरेनोज श्रृंखला होती है, और फ्रक्टोज की जो श्रृंखला है वो सीधी ऐसी होती है, और पाइरेनोज श्रृंखला देखेंगे तो इस तरीके की होती है, ठीक है। अगर हम एपीमर की बात करें तो समायब्य जिनका निर्माण सी टू सी थ्री सी फोर कार्बन परमाणु पर एच ओ एच समूह की भिन्नता के कारण होता है वो एपीमर कहलाते हैं। ग्लूकोज के एपीमर जो होते हैं वो मैनोज होता है सी ओ टू की भिन्नता के कारण, गैलेक्टोज होता है वो सी फोर की भिन्नता के कारण होता है। इसी तरह से इनके डाइग्राम भी देखेंगे, ठीक है, तो ये डाइग्राम है, ये भिन्नता है, इसमें सी फोर में भिन्नता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड को देखें तो कई तरह के होते हैं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ट्राइओज में तीन कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, टेट्रोज में चार कार्बन परमाणु, पेंटोज में पाँच, हेक्सोज में छः, हेप्टोज में सात कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक। और इनके उदाहरण अगर हम देखेंगे तो ट्राइओज का उदाहरण है सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री, मतलब अभी हाल हमने देखा था, ठीक है, और इसमें ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, पी जी ए एल और डी एच ए पी सभी कार्बोहाइड्रेट के पूर्व पदार्थ माने जाते हैं, और ये इसके ट्राइओज के उदाहरण हैं। और डी एच ए पी को हमने अभी देखा था, उसका फॉर्मूला सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री था। टेट्रोज की अगर हम बात करें तो ये इरीथ्रोज और इरीथ्रुलोज इसके उदाहरण है, और इसका फॉर्मूला होता है सी फोर एच एट ओ फोर। पेंटोज की बात करें सी फाइव एच टेन ओ फाइव, राइबोज सुगर, राइबुलोज सुगर, जाइलुलोज सुगर, अरेबिनोज सुगर और डी ऑक्सी राइबोज सुगर, ठीक है, जो कि ये सारी पेंटोज सुगर होती हैं, ठीक है, जो डीएनए में पाई जाती है वो सुगर भी पेंटोज होती है आरएनए। इसके अलावा जाइलुलोज, राइबुलोज, अरेबिनोज, ये सब क्या है, पेंटोज सुगर होती है। हेक्सोज की बात करें तो सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स फार्मूला होता है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, रेमनोज, ये सब क्या है, हेक्सोज है। हेप्टोज में हम बात करें सीडो हेप्टिलोज जो है वो इसका उदाहरण है। फॉर्मूले की बात करें तो सी सेवन एच ट्वेल्व एच फोर्टीन ओ सेवन इसका रासायनिक रूप से सभी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे अभी हम अंग्रेजी में बताएंगे आपको, तो उसमें हमने नॉन शुगर की बात की और शुगर की बात की, तो शुगर जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं, और मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो एल्डोज और कीटोज कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप जितने एल्डोज होते हैं उनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, कीटोज के अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोनोसेक्राइड जिनमें स्वतंत्र एल्डिहाइड या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं, और जिनमें स्वतंत्र जो है कीटोन ग्रुप पाया जाता है उनको कीटोज बोलते हैं, ठीक है। और जो एल्डोज हैं वो पी जी ए एल, इरीथ्रोज, राइबोज, अरेबिनोज, डी आई
डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है? ये एल्डोज है। डीएचएपी, एरिथ्रोलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, सीडोहेप्टुलेज, ये दीज आर द कीटोन्स। सभी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि इनका स्वतंत्र जो एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है वो कॉपर को कॉपर डबल आयन को कॉपर आयन में रिड्यूस करता है। मोनोसेक्राइड का यह गौण बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट का आधार है। उपरोक्त परीक्षण द्वारा मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का पता हम लोग लगा सकते हैं। उपरोक्त में क्या करते हैं, ग्लूकोज की उपस्थिति का पता हम लोग लगाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आरएनए के अतिरिक्त राइबोस शुगर एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी में भी पाई जाती है। राइबोस शुगर किस में पाई जाती है? एटीपी में भी और आरएनए में तो पाई जाती है, एटीपी में भी पाई जाती है, एनएडी, एनएडीपी में पाई जाती है, एफएडी में भी पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में दूसरे कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अरेबिनोज शुगर की बात करें तो गम अरेबिक में पाई जाती है। ग्लूकोज डेक्सट्रोरेटरी शुगर होता है, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज अंगूर में अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। इसके अलावा ये कॉर्न में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सुक्रोज जो है, सुक्रोज वो शुगर कैन में पाई जाती है। ठीक है, और फ्रक्टोज जो होता है वो मोस्टली फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है इसलिए इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। ठीक है, माल्टोज जो है इसको माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। और ये जो है माल्टोज जो है ये पाई जाती है आपके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें ये पाई जाती है उसको जो है हम लोग कहते हैं माल्टोज, जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग बार्ले कहते हैं। बार्ले क्या कहते हैं? बार्ले। तो बार्ले के अंदर माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, बार्ले में माल्टोज पाया जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें शुगर कैन को या सुक्रोज को तो इसको कॉमर्शियल शुगर भी बोलते हैं, कॉमर्शियल शुगर बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज शरीर में एक मुख्य श्वसन पदार्थ होता है, दूसरी ओर हेक्सोज भी लिवर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट पक्ष की तो जो है फ्रक्टोज को लिवोरोटेटरी शुगर भी कहा जाता है, इसको लेबुलोज भी कहते हैं। ठीक है, शहद व मीठे फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, हनी में भी होता है इसलिए इसको शुगर फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर होती है, ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें गैलेक्टोज स्वतंत्र रूप में कभी नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में गैलेक्टोज मिल्क जो है दूध शुगर लैक्टोज के एक भाग के रूप में पाया जाता है और गैलेक्टोज अन्य पदार्थों के घटक के रूप में भी पाया जाता है जैसे ग्लाइकोलिपिड, सेरेब्रोइड या हेमी सेलुलोज में ये होता है। मैनोज स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, ये अंडे के एल्ब्यूमिन के साथ और कास्ट में हेमी सेलुलोज घटक में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक, सर्वाधिक मीठा रासायनिक जो है वो होता है थाउमेटीन, थाउमेटीन होता है जो एक बैक्टीरिया थायोमेटोकोकस जो है अनली से प्राप्त होता है, अनली से प्राप्त होता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी टीजीटी में आते हैं, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। अब मोनोसेक्राइड के जो व्युत्पन्न हैं वो क्या है? मोनोसेक्राइड के व्युत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स, अमीनो सुगर्स, इनका निर्माण मोनोसेक्राइड के दूसरे कार्बन परमाणु से ओ एच या एल्कोहल ग्रुप को
अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने से होता है। मतलब जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसको अमीन ग्रुप जो है रिप्लेस करता है, तो अमीनो शुगर बनती है, जैसे ग्लूकोज अमीन है, गैलेक्टोज अमीन ये बनती है। और एक कब बनती है, मोनोसेक्राइड के दूसरे कार्बन परमाणु पे जो OH ग्रुप होता है उसको अमीनो ग्रुप जो है रिप्लेस कर देता है तब। ठीक है, शुगर एल्कोहल की अगर हम बात करें तो शुगर के एल्डिहाइड समूह का प्रतिस्थापन जब CH2OH समूह के द्वारा किया जाता है, ठीक है, शुगर एल्कोहल बनता है तब सोर्बिटॉल, मैनिटॉल ये ग्लूकोज और मैनोज के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये ग्लूकोज से बनता है सोर्बिटॉल, और मैनिटॉल जो है मैनोज से बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो शुगर एसिड हो गया, ठीक है, शुगर एल्कोहल के बाद शुगर एसिड, शुगर के शीर्षस्थ एल्डिहाइड या अल्कोहल समूह का प्रतिस्थापन जो है COOH समूह के द्वारा होता है जब, तो ग्लूकोरोनिक अम्ल या गैलेक्ट्रोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करें, ड्राई HCl की उपस्थिति में जब एक शुगर जैसे कि ग्लूकोज या अन्य कोई भी शुगर हो, स्टीरॉइड हो या मिथेनॉल, इनके मध्य संघनन की अभिक्रिया द्वारा ग्लाइकोसाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जिनका प्रबल अभिकर्मकों या रिएजेंट्स के द्वारा जल अपघटन वाटर हाइड्रोलिसिस हो सकती है, इनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन नहीं होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। ठीक है, इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो इनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड या मोनोमर्स प्राप्त होते हैं। ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बंड द्वारा या बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके ओलिगोसेक्राइड का मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या जो है कीटोन समूह दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, और प्रत्येक बॉन्ड निर्माण में एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है, या इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो दिशा या डायरेक्शन होती है 1'-4' होती है हमेशा, जब दूसरी मोनोसेक्राइड जो है यूनिट फ्रक्टोज होती है दूसरी, तो डायरेक्शन जो बॉन्ड की होती है वो 1:2 होती है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जैसे सुक्रोज या सिक्रोज, ठीक है, इसके अलावा ये हमें लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है। यहाँ से एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक ग्रुप से क्रिया करके क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, एक मोनोसेक्राइड ये है और एक मोनोसेक्राइड ये है, इसका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इसके एल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्रिया करके एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और प्रत्येक बॉन्ड के निर्माण में एक जल का जो मॉलिक्यूल है वो निष्कासित हो जाता है, H2O का एक मॉलिक्यूल निष्कासित हो जाता है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की दिशा हमेशा 1-2-4 होती है, लेकिन जब दूसरी मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज होती है, ठीक है, तब बॉन्ड की दिशा 1-2-2 होती है। ओलिगोसेक्राइड के प्रकार के जो है, 3 प्रकार के ओलिगोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, ये ओलिगोसेक्राइड के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड के अगर हम प्रकार की बात करें तो डाइसेक्राइड, जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल की संरचना करती हैं तो उसको डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल, और ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रे हेलोज, ये सब क्या है,
देखो ये है, जैसे माल्टोज है इसमें एक ग्लूकोज, एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसी तरीके से इसमें लैक्टोज में भी है, ठीक है, इसी तरीके से सुक्रोज में भी है, तो ये सब जगह है, ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ जुड़ता है, ठीक है, और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज से जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज से जुड़ता है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स, ये सभी डाइसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। अब मोनोसेक्राइड की बात करें तो जो सभी मोनोसेक्राइड जो जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शुगर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे माल्टोज सामान्यतः माल्ट शुगर कहलाता है और ये बारले में प्राप्त होता है, यह स्टार्च के पाचन में मध्यवर्ती पदार्थ होता है। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज के मध्य दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी, उनके मध्य 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और उससे माल्ट शुगर या माल्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज में हम देखेंगे जिसको मिल्क शुगर कहते हैं, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। लैक्टोज ही मीठी शुगर होती है, ठीक है, और यह सबसे कम मीठी शुगर होती है। लैक्टोज जो होती है वो सबसे कम निम्नतम मीठी शुगर होती है, निम्नतम मीठी शुगर होती है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज वो ह्यूमन मिल्क में होता है, 7% तक पाया जाता है। पादप में शुगर का जो ट्रांसपोर्ट है वो सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है, सुक्रोज प्रतीप शुगर भी कहलाता है, ठीक है। सुक्रोज से गन्ने की शुगर भी कहते हैं इसको, हम लोग इसको कॉमर्शियल शुगर भी बोलते हैं, रसोई घर की शक्कर भी बोलते हैं और व्यापारिक या कॉमर्शियल शुगर भी इसको कहते हैं। सुक्रोज को या सुक्रोज को 1D अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। ट्रेहलोज शुगर जो होती है वो कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाती है, ट्रेहलोज शुगर, इसमें दो एनोमेरिक कार्बन अल्फा और बीटा ग्लूकोज के मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर हम ट्राईसेक्राइड की बात करें तो रेफिनोज जो कि 3 मोनोसेक्राइड अणुओं के मिलने से बनता है, जिसमें गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन तीनों के मध्य में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। टेट्रासेक्राइड में स्टे कायोस होता है जिसमें गैलेक्टेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से ये बनता है, ठीक है। पेंटासेक्राइड की अगर हम बात करें तो बारबाकोज होता है जिसमें 2 गैलेक्टोज और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके जो है इसका निर्माण करते हैं। रेफिनोज और स्टे कायोस फ्लोएम में पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट में काम आती है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड अनेक मोनोसेक्राइड यूनिट के बने होते हैं, ठीक है, अनेक मोनोसेक्राइड यूनिट के बने होते हैं। इनके नाम में सफिक्स जोड़ा जाता है N, ठीक है, इनको ग्लाइकेन कहते हैं। जैसे पेंटोज पॉलीसेक्राइड को पेंटासन बोलते हैं, ठीक है, अरेबन बोलते हैं, L अरेबिनोज, जाइलेन बोलते हैं, डी जाइलोज को, यह सभी कोशिका भित्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। हेक्सोज पॉलीसेक्राइड को हेक्सेन्स कहते हैं, जैसे सेलुलोज स्टार्च मैनिन, ये क्या है, इसको मैनोज भी बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, और स्वाद में ये मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड भी कहा जाता है, नॉन शुगर पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं इसलिए इनको, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। कार्य के आधार पर पॉलीसेक्राइड पोषक व संरचनात्मक होते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट वैल्यू रखते हैं और स्ट्रक्चरल वैल्यू भी रखते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं। संरचना के आधार पर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर, तो पॉलीसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, होमो हेट्रो,
दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो पॉलीसेक्राइड जो समान इकाइयों के बने होते हैं, समान यूनिट होती हैं जिनमें मान लीजिए कई सारे ग्लूकोज के आप मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ करके एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, तो उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। सेलुलोज एक होमोपॉलीसेक्राइड है जिसको बीटा डी ग्लूकोज की लगभग 6000 से 10000 जो यूनिट्स हैं वो लीनियर क्रम में जोड़ करके बनाती हैं, और इसमें बीटा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। सेलुलोज के आंशिक पाचन से सेलोबायोस यूनिट या डाइसेक्राइड प्राप्त होती है, इसका आंशिक पाचन होता है तो इससे सेलोबायोस प्राप्त होता है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, इसमें ये लकड़ी में 50% लगभग और कपास में लगभग 90% उपस्थित होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ अगर कोई है तो सेलुलोज है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा जो जंतु होते हैं, यूरोकॉर्डेट जंतुओं में एक सेलुलोज के जैसी पदार्थ पाया जाता है जिसको ट्यूनिशिन बोलते हैं, और एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं ट्यूनिशिन को, ठीक है। इसका उपयोग जो है कृत्रिम रेशम या रेयन फाइबर बनाने में किया जाता है एनिमल सेलुलोज का, ठीक है। स्टार्च की बात करें तो पादपों का मुख्य स्टोरेज फूड मटेरियल या सज्जित भोजन होता है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है, अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। दो प्रकार की इसमें चेन पाई जाती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। 250 से लेकर 300 ग्लूकोज यूनिट जो है जब अल्फा 1,4 लिंकेज द्वारा अशाखित श्रृंखलाओं में जुड़ी होती हैं, अनब्रांच्ड श्रृंखलाओं में जुड़ी होती हैं, तो उसको हम एमाइलोज कहते हैं। एमाइलोपेक्टिन में एक शाखित श्रृंखला अणु होते हैं जिनमें लगभग 30 ग्लूकोज की इकाइयां जो है अल्फा 1,4 और 1,6 लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, अमाइलोज आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है, ये क्वेश्चन बन सकता है पीजीटी टीजीटी में, तो इसको याद रखना है हम लोगों को कि अमाइलोपेक्टिन कैसा रंग देता है। आलू के स्टार्च में 20% एमाइलोज होता है, ठीक है, और 80% एमाइलोपेक्टिन होता है, इसीलिए आलू क्या है लाल रंग ज़्यादा देता है और नीला जो रंग है वो कम देता है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, जैसे आलू का ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, आलू के ऊपर हम आयोडीन टाटा सॉल्ट रगड़ेंगे तो लाल नीला सा हो जाता है, नीला कम होता है लेकिन लाल ज़्यादा, ठीक है। ग्लाइकोजन यह जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप होता है, कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी वगैरह में भी ये होता है। ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वो लिवर और मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट अगर कहीं सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं तो वो मसल्स और लिवर के अंदर पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन को हम जंतु स्टार्च या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का अत्यधिक शाखित या ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ग्लाइकोजन की लंबी श्रृंखला 1,4 लिंकेज तथा जो है शाखन बिंदु पर 1,6 लिंकेज द्वारा जुड़ी होती हैं। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ लाल रंग देता है, ग्लाइकोजन भी लाल रंग देता है, अमाइलोपेक्टिन भी लाल रंग देता है आयोडीन के साथ। ग्लाइकोजन कवकों का भी क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है। काइटिन की बात करें तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन यूनिट का एक लीनियर बहुलक है जिसमें 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और बीटा डी ग्लूकोज का एक अमीनो एसाइल व्युत्पन्न है, ठीक है। काइटिन आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल और कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है और पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज। दूसरा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला पदार्थ काइटिन, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, ठीक है। इनुलिन यह फ्रक्टोज इकाइयों का रेखीय बहुलक होता है, पॉलीमर है, इसमें बीटा 1,2 लिंकेज पाई जाती है या बॉन्ड पाया जाता है। इनुलिन संचित भोजन के रूप में डहेलिया और आर्टीचोक की जड़ों में पाया जाता है। इनुलिन जल में घुलनशील पॉलीसेक्राइड है जिसका उपयोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये
वैसे पॉलीसेक्राइड जेल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन ये होता है इनुलिन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक। सबसे छोटा संग्रही पॉलीसेक्राइड भी इनुलिन होता है। अब हम बात करें डेक्सट्रीन की, यह ग्लाइकोजन व स्टार्च के पाचन का एक मध्यवर्ती पदार्थ होता है, ठीक है। डेक्सट्रीन के पाचन से ग्लूकोज व माल्टोज प्राप्त होते हैं, और ये कुछ जीवाणु हैं उनके सेल वॉल में भी पाया जाता है डेक्सट्रीन। ईस्ट व जीवाणुओं में संचित भोजन के रूप में भी डेक्सट्रीन पाया जाता है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड दूसरा है, तो यह विभिन्न प्रकार की मोनोसेक्राइड इकाइयों के बने होते हैं, जैसे कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोनोसेक्राइड यूनिट पाई जाती है, जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड है वह स्नेहक के रूप में कांचाव तरल और अम्बिलिकल कॉर्ड और सन्नियों और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका के सेल कोट में एक बंधक पदार्थ के रूप में होता है, जिसे हम एनिमल सीमेंट कहते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड में एकांतरित रूप से व्यवस्थित बीटा ग्लू क्यूरोनिक एसिड और एनएसिटाइल ग्लूकोज अमीन यूनिट पाई जाती है विभिन्न मोनोसेक्राइड के मध्य। बीटा 1/3 बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, इनसे बने डाइसेक्राइड के मध्य बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कॉन्ड्रियोटिन एक प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से मिलकर बनता है, और कॉन्ड्रियोटिन कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, और यह सल्फेट एस्टर उपास्थि टेंडन अस्थियों का मुख्य स्ट्रक्चरल घटक होता है, ठीक है। एक तो एक हेपेरिन यह रक्त की में उपस्थित एक प्रतिस्कंदक होता है, ठीक है, और यह हेपेरिन जो है ग्लू क्यूरोनिक एसिड और एन सल्फेट ग्लूकोजामीन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं पेक्टिन की। मिथाइलेटेड गैलेक्टूरोनिक एसिड और गैलेक्टोज और अरेबिनोज मिलकर के पेक्टिन का निर्माण करते हैं। जो काम हो रहा है, शायद मौसम बदल रहा है तो उस वजह से। पेक्टिन कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जहाँ सेलुलोज तंतुओं को आपस में बांधने का काम करता है, और लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के पादपों में मिडिल लैमेला में भी ये पाकर पाया जाता है। मिडिल लैमेला में ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के रूप में होता है, पादप सीमेंट का निर्माण करता है, प्लांट सीमेंट बनाता है। हेमी सेलुलोज, मैनोज, गैलेक्टोज और अरेबिनोज ज़ाइलुलोज से मिलकर बना होता है। सेल वॉल का एक मुख्य घटक होता है, और ये आइवोरी पाम या फाइटालोफस, ठीक है, उसमें स्टोरेज मटेरियल के रूप में पाया जाता है। हेमी सेलुलोज इस पादप से प्राप्त होता है, उसका बिलियर्ड वॉल या आर्टिफिशियल आइवोरी बनाने में उपयोग किया जाता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो लसलसे पॉलीसेक्राइड जिनमें जल व प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। लसलसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और जल प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है। पादपों में म्यूसिलेज एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जो गैलेक्टोज मैनोज इकाइयों का बना होता है, अन्य हाइल्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्रियोटिन और हेपेरिन ये भी म्यूकोपॉलीसेक्राइड के उदाहरण हैं। और कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकोन ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड सबसे मिलकर बना होता है। अगार अगार पाउडर की बात करें तो ये भी एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। रेड एल्गी जैसे ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस इनसे प्राप्त किया जाता है। यह भी जो है डी गैलेक्टोज और डी एल गैलेक्टोज यूनिट से बना होता है, और प्रत्येक 10 यूनिट के बाद सल्फेट ग्रुप उपस्थित होता है। इसका उपयोग कल्चर मीडियम को बनाने में, टिश्यू कल्चर में किया जाता है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है, लगभग आपका 35-36 मिनट का वीडियो जो है पॉलीसेक्राइड का है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं। अंग्रेजी माध्यम में इसी का वीडियो हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे।